आप लोग? मैं लोकल से हूँ, हल्द्वानी से। तो ये भैया लोग फुल मस्ती के साथ एंजॉय करते हुए, क्या मज़ा आ गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह के देखिए जावेद भाई के साथ, वाह यार ब्यूटीफुल। में इस तरीके से हम लोग घूमेंगे तो वो भी आपको काफ़ी जानकारी दूंगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज हम जा रहे हैं एक यूनिक जगह और एक बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं। तो वो गाइज जो जगह है एडवेंचर है, तो काफ़ी नैनीताल में लोग वह टूरिस्ट प्लेस भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो पूछते हैं कि शताब भाई वो जगह कहाँ पे है। तो वो जगह मैं अभी आपको बताऊँगा नहीं कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। तो मेरे साथ जो है अभी हमारे टीम वाले ब्लॉगर भी हैं, जिशान अली भाई और जे डी ब्लॉगर भैया जावेद भाई, तो वो भी जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं जिली कोर्ट से ऊपर एक नंबर बैंड, तो वो कहाँ पड़ता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक भुजिया घाट जगह है, एक छोटी सी, और नैनीताल से 6 से 7 किलोमीटर दूर की दूरी में ऊपर को है। और नहीं, नैनीताल से जो है, अगर नैनीताल आप लोग ऊपर को आएंगे तो हल्द्वानी से काठगोदाम से 5 से 6 किलोमीटर दूर की दूरी में, और नैनीताल से कम 30 से 25 किलोमीटर की दूरी में। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत जो है नज़र आ रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके कि किस तरह का यहाँ का रोड जो हमारा गया है नैनीताल को, और ये आया है नैनीताल से नीचे हल्द्वानी को। तो इस रोड से अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ज़्यादातर मेन रोड यही है। तो नैनीताल में जब आप लोग सीजन में आते हैं तो इस रोड से ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि भवाली से एक नंबर बैंड के नहीं इधर को करते थे तो आप लोग इधर से आते हैं। और सामने देखिएगा कितना बढ़िया जो है नज़ारा देखने मिला। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत जो है व्यू देखने मिला है। और यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा बहुत कोहरा आ गया है, और यहाँ से भी आप लोग देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा जो है नज़ारा देखने मिला गाइस। और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जो है वादियाँ इस टाइम दिख रही हैं यहाँ पे, हरियाली हरियाली। और हमारे जे डी भाई देखिएगा घूम रहे हैं, और वहाँ जिशान भाई अपना इंटरव्यू कर रहे हैं, और वो मैं आपको बताऊँगा नहीं कहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो ब्लॉग पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, जब भी आप लोगों को दिखेगा कि हम कहाँ पर आए हैं घूमने। तो चलिए अभी हम चलना है नीचे की ओर। तो मैंने अभी जावेद भाई को भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ। कहाँ जा रहे जावेद भाई, कुछ पता है? मुझे भी नहीं पता भैया, तो अचानक प्लान बनाया, सडनली बताया सदाब भाई ने कि आज चलना है घूमने के लिए। तो मैंने कहा चलो, अब इनसे पूछा गया भाई कहाँ जाना है, तो बता रहे हैं कि भाई आज यूनिक जगह लेके जाते हैं, आज बताएंगे नहीं हम आपको। ऐसा ना, लोग रोज पहाड़ पहाड़ दिखाते खाते, रोज रोज पहाड़ देख रहे हो, रोज नैनीताल का अपडेट रहा, तो मैंने सोचा आज कुछ यूनिक जगह आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जावेद भाई को उठाया, हमारे जेडी भाई ब्लॉगर भैया, और वहाँ पे जिशान भाई हमारे नैनीताल के काफ़ी फेमस हैं। तो आप वहाँ देखिए अपने इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अभी इनसे पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अबे जिशान भाई, तुम्हें पता हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ बहुत ही यूनिक जगह है। तो गाइस मैं जो दिखाऊंगा ना, आप लोग खुश हो जाएंगे, और जब भी मेरे पास नैनीताल घूमने आएंगे ना तो आप मुझसे जरूर कहोगे शताब भाई वहाँ पे लेके चलो, वो कौन सी जगह है जहाँ पे आप लोगों ने लास्ट में वीडियो दिखाई है। तो चलिए हम नीचे की ओर चलेंगे। तो नैनीताल से हम 14 किलोमीटर दूर आ चुके हैं जिली कोर्ट में, तो जिली कोर्ट से हम नीचे की ओर चलेंगे जहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, ब्लू गाड़ी। और सामने देखिए 15 किलोमीटर दूर यहाँ से नैनीताल है। तो अभी हम जाएंगे इस वाली रोड पे, हल्द्वानी रोड पे, तो आप लोगों को दोस्तों दिखाएंगे कि कौन सी जगह है जहां मैं आपका यूनिट जगह लेके जा रहा हूं। इस रोड से हम देखिएगा जाएंगे, और किस तरह की रोड है तो आप भी देख सकते हैं। तो अभी पता नहीं इधर को है, इधर को है, बहुत ही ख़तरनाक रोड है। तो काफ़ी देखिए कितनी हरियाली, देखिएगा आप लोग काफ़ी सुंदर हरियाली नज़र आ रही है। 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में वो पार्ट हमको एक तो बताना भी नहीं है। ऊपर का व्यू देखो, ऊपर का भाई साहब बादल ही बादल। तो
तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं, कम से कम 500-600 मीटर यहाँ से बचा है, रुक दम। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं गोल्ड फन पार्क। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि कहाँ पे लेके जाना, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे लेके आया। तो ये देखिए काफ़ी जो सुंदर यहाँ से नज़ारा भी देख सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम एंट्री कराएंगे, एंट्री के बाद आपको खूब जो अंदर क्या क्या है वो दिखाएंगे। और इस तरह का देख सकते हैं आप कितना नज़ारा देखने मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए गाड़ी पार्किंग हमारी वहाँ पे खड़ी है, और यहाँ पे जो है गाड़ी पार्किंग है जो यहाँ की इसी मतलब गोल्डन फल पार्क की ही पार्किंग है। यह है सामने गेट, तो अभी इसके अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री के बाद जो है कितना चार्ज है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और इसी तरीके से मैं आपको अंदर की भी काफ़ी जानकारी दूँगा। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं, करते हैं एंट्री। किस तरह का जो नहाने का गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही जो है शानदार बना हुआ है। चारों पहाड़, चारों तरफ की पहाड़ी के बीच में जो एक स्विमिंग पूल बना हुआ है उसमें हम अभी नहाने वाले हैं, अभी हम जाने वाले हैं। और आप लोगों को दिखाएंगे 300 रुपये का जो है ओनली चार्ज है, और 300 रुपये में आप लोग खूब मस्ती कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए और भी भाई लोग अपने नहा रहे हैं, और काफ़ी मज़ा। कैसा भैया लग रहा है आपको? तो बहुत ही मज़ा आ रहे वाला है। ओनली 300 रुपीज़ में फुल एडवेंचर करिए। और ये देखिए स्विमिंग पूल है सामने, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे भैया जी हैं, और अभी जो है नहाने के लिए जा रहे हैं भैया जी हमारे, तो देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हमें भी जाना है और फुल इंजॉय के साथ, तो अभी हमें भी नहाना है और खूब मस्ती के साथ आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए सभी लोग जो है नहाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बैक कैमरा करके लोकल से हूँ हल्द्वानी से। तो ये भैया लोकल से ही यहाँ पे ज्यादातर लोग लोकल आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मजा आता है वाला, भैया बता रहे हैं। और देखिए ये भैया लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए भैया कैसा फील कर रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखिए भाई साहब खूब इंजॉय कर रहे हैं अपने। ये देखिए हमारा जिशान भाई भी, अभी जिशान भाई भी हमारे कपड़े उतारेंगे और नहाने के लिए जाएंगे। ये भैया देखिए फोटोग्राफी करते हुए जा रहे हैं। भैया क्या हाल है भैया लोगों के? और ये देखिए क्या भैया लोगों के, ये देखिए बहुत ही जो है मजा आने वाला। सबसे मेन चीज है गाइस व्यू के साथ आप लोग भी स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, उसके बाद आप लोगों को भी और भी दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग नहाएंगे। जावेद भाई चलो ना यार चेंजिंग करो, चेंज करो, और बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये देखिए सर यहाँ पे चेंजिंग रूम का भी काफी बड़ा बना हुआ, भैया लोगों को जो है इस तरह का आप लोगों को ड्रेस वगैरह मिलेगी। पहले हमने चेंज कर लिया, तो चेंजिंग के लिए देखिए हमें ये मिला है एक, ये देख सकते हैं आप लोग। और काफी जो है मजा आने वाला गाइस, आप लोगों को भी मजा दिला के लेके आएंगे। काफी जो है नजारा देखने मिलेगा आपको, और किस तरह का जो है मजा आने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे जावेद भाई और जिशान भाई भी रेडी हो गए, ये देख सकते हैं। तो जिशान में पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन घूमते फिर समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे जावेद भाई भी देखिएगा, हम लोग हैं रेडी। चलिए जावेद भाई स्विमिंग पूल जो इंतजार कर रहा हूँ, तो जितना मेल है सब उतरने वाला हमारा इस एंट्री पे जितना भी मेल था। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं, बढ़िया से आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह का जो है मजा आने वाला है गाइस। चलिए फिर बने रहिए आप, जो है रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए भैया लोग भी जो है नहा रहे हैं, नहा चुके हैं शायद। तो अभी ये देखिएगा भैया भी नहा रहे हैं, तो किस तरह के से लोग जो है यहाँ पे मज़े ले रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि किस तरह का देखिएगा बना हुआ है ये स्विमिंग पूल। तो ये अपना जो है यहाँ पे जो आता है भुजिया घाट आता है, भुजिया घाट के पास में ही आप किसी वो मैं आपको पूरा जो है ना नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ जिशान भाई सामने ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और सामने आप लोग देख सकते हैं सर गाइस स्विमिंग पूल, और इसमें काफ़ी जो है पानी भी अच्छा है, काफ़ी पानी है। और इसी के अंदर अभी जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को और भी दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग नहाने जा रहे हैं, तो नहाने के भी वीडियो दिखाएंगे। तो अभी हमें अंदर जाना है, उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। तो अभी जो है म्यूज़िक भी बजेगा, तो इसलिए म्यूज़िक हमने बंद करवा रखा था कॉपीराइट की वजह से। और मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ी है, उसके बाद जो है बीच में जो है स्विमिंग पूल है।
तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को काफी जानकारी देते हैं। तो किस तरीके से देखिए हम जा रहे हैं पानी के अंदर, ये देखिएगा इस तरीके से हमने जो है अंदर गोता मार दिया है, तो अब निकल कर गए बाहर। तो गाइस खूब जो है मज़ा आया नहाने में, और काफ़ी जो है यहाँ पे तेज़ जो है सॉन्ग बज रहा था, इस मारे आवाज़ हमने वहाँ पे नहीं दे पाई, पर यहाँ पे जो है गाइस बहुत ही जो है मज़ा आ रहा। तो जावेद भाई भी देखिए मज़े ले रहे हैं और खूब उन्हीं के साथ में देखिए अपने डांस करते हुए खूब मज़ा आ रहे हैं जावेद भाई के साथ। तो हमारे जिशान भाई जो है आना नहीं चाह रहे हैं पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे इस हम लोग जो इसमें घुस गए थे, तो वो सामने देखिएगा काफ़ी और भी लोग हैं यहाँ पे नहाते हुए नजर आए। तो ये जिशान भाई हैं यहाँ पे देखिएगा। तो अभी जिशान भाई को भी अंदर लेके जाएंगे हम, जिस तरह के जावेद भाई हम नहा रहे थे, तो अभी जिशान भाई को अंदर लेके जाऊँगा। पर जिशान भाई जाना नहीं चाह रहे और बहुत ही मज़ा आ रहा है नहाने में, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से मैं जो है इंजॉय कर रहा हूँ और काफ़ी जो है मज़ा भी आ रहा है नहाने में। ये देखिएगा खूब जो है पूरी मस्ती यहाँ पे, अपने आराम से रिलैक्स होना है तो अपने आराम से घूम सकते हैं। गाइस एक बात और है, अपनी फैमिली के साथ भी अपना नहाना चाहें तो आप नहा सकते हैं यहाँ पे, खूब इंजॉय कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे आके। तो फुहारे के अंदर गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं देखिए इतनी देर तक खड़ा हूँ। अब मैं जाके अंदर डाइव मारता हूँ, तो ये देखिए किस तरीके से मैं डाइव मार रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही मज़ा आएगा अंदर जाने के बाद। और ये देखिएगा मैंने मारी डाइव, ये देख सकते हैं, और जो मेरी वीडियो बना रहे हैं हमारे जिशान भाई बना रहे हैं। और ये देखिए हम निकल गए वहाँ पे, तो अभी मैं थोड़ा सा बोल के साथ भी थोड़ा मज़ा लेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से मैं डांस कर रहा हूँ। तो गाइस ऐसा ना यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था क्योंकि आवाज़ सॉन्ग की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो इस तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग इंजॉय। जो है डबल कैमरे से वीडियो बनाई, तो आप लोग सामने का भी देख सकते हो और मुझे भी देख सकते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से जिशान भाई भी खूब मज़े ले रहे हैं, और अभी सामने देखिएगा स्विमिंग पूल बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए कितना प्यारे प्यारे छोटे छोटे से फुहारे बने हुए हैं, और जिशान भाई और जावेद। तो गाइस देख सकते हैं ये वाली सीट आपने ऑल इज़ वेल मूवी में देखी होंगी, तो यहाँ पे भी देखिएगा गोल्ड फन पार्क में भी हैं, और काफ़ी जो मज़ा आ रहा है जावेद भाई देखिए किस तरह की हरकत कर रहे हैं, उसी के साथ जो है मुझसे भी करवा रहे हैं। ये देखिएगा, ये देखिए जावेद भाई का तो हाथ ही नहीं हट रहा था वहाँ से, और काफ़ी जो है इन्जॉय करते हुए मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ही जो है एडवेंचर है, और डांस करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। वहाँ पर सॉन्ग बज रहे थे उसी के साथ जो है हम इंजॉय कर रहे थे, डांस वगैरह भी कर रहे थे, तो जावेद भाई भी खूब मज़ों में हैं। तो जावेद भाई की आज छुट्टी थी तो इसलिए आज हमारे साथ चलती है, मैंने कहा चलिए लेके चलता हूँ आपको। तो देख सकते हैं गाइस किस तक खूबसूरत जो नज़ारा भी है, और बीच पहाड़ों के बीच में देखिएगा किस तरह का जो है यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये आपका गोल्ड पार्क है अपना। और ये देखिए सामने का नज़ारा देख सकते हैं, आसमान का भी और नीचे का भी नज़ारा देख सकते हैं। तो हमारे जावेद भाई भी काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर हम लोग ने कितना मज़ा करा है। तो ये सामने जिशान भाई भी खड़े हैं हमारे, खूब मस्ती में देखिएगा सभी लगे हुए हैं, तो आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं गाइस।
तो ज़्यादा गहरा नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है, आप लोग अपना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा कम है, पर अंदर थोड़ा सा गहरा है तो मेरे कंधे तक पानी आ रहा है, काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी जो है फुहारे में तो ये मैं नहा रहा हूँ, तो मैंने आपको अंदर भी जाके दिखाया था किस तरीके से हम लोग नहा रहे थे, काफ़ी जो है मज़ा आ रहा है। तो ये जिशान भाई देखिए निकल के भाग चुके हैं, तो अभी हम जो है थोड़ा सा सॉन्ग बज रहा था तो डांस करने लग गए थे। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर डांस कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से डांस कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस थोड़ा सी डांस के साथ आपको जो है दिखाते हैं अपना ब्लॉगिंग के किस तरीके से हम जो एंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ा सा मैं डांस भी करूँगा, आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं डांस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डांस करना, और आप लोगों को दिखाते हैं मस्ती करते हैं किस तरीके की हम लोग जो मस्ती करते हैं। अभी देखिएगा गाइस ये जिशान में भाग रहे उधर को, और अब मैं देखिए स्टार्ट करता हूं अपना डांस। देखिए गाइस अपना जो हो गया डांस स्टार्ट, और किस तरीके से देखिएगा छोटा मोटा जैसे भी आता है गाइस, मैंने अभी आपको डांस करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये देखिए आता नहीं है ज़्यादा, पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से। देखिएगा लव, तो गाइस कुछ लोग हंसेंगे भी, पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अपनी एंजॉय में कूल पागल हूँ मस्ती के साथ गाइस। फाइनली गाइज हम पार्क से आ गए हैं, और पार्क में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही शानदार का जो पार्क बना रखा था। तो अभी हम जा रहे हैं नैनीताल की ओर, तो अभी हमें दो गांव में जो पकौड़ी खानी थी, तो पकौड़ी जावेद भाई पकौड़ी भी ले रहे हैं। पीछे देखिए मेरे पीछे जावेद भाई खड़े हैं, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं दो गाँव। तो दो गाँव में आप कभी भी आइए, और यहाँ की बहुत ही फेमस पकौड़ी है, ये सामने देखिएगा रजवाल रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर आइए। तो आज की ब्लॉग को जो गाइज करते हैं यहीं पर समाप्त। टेक केयर गाइज।